नमस्कार दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने के लिए नई टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है, जिसमें कई भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया है तो कई नई खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। तो कौन है वो खिलाड़ी, हम सब कुछ बताएंगे आगे आपको इस वीडियो में। इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें कि IPL 2023 में कई युवा खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन से टीम इंडिया में दावेदारी ठोक दी है, और दूसरी तरफ साल 2023 में भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल एशिया कप और वनडे विश्व कप भी होने वाला है। ऐसे में BCCI IPL 2023 के युवा खिलाड़ियों को इन दोनों लीगों में पहले तैयार करने के उद्देश्य से तीनों फॉर्मेट के जितने भी मुकाबले होने वाले हैं उन सब में टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर IPL 2023 के युवा खिलाड़ियों को मौका देने की योजना बना रहा है। तो ये आपको बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा ने कई दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया है, युवा खिलाड़ियों को इस तरह मौका दिया है, जिसको सुनकर आप भी हैरान होने वाले हो। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में कई बेहतरीन बल्लेबाज भी शामिल हैं। जैसे आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा से दिग्गज खिलाड़ियों को टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया है, और कप्तान रोहित शर्मा ने एक ऐसी चाल चली है जिसके बाद तो कई दिग्गज खिलाड़ियों का टीम इंडिया से पत्ता ही कट जाएगा। चलिए अब बात करते हो कौन से नए खिलाड़ी हैं जिनको टीम इंडिया में मौका दिया गया है। आपको बता दें कि WTC फाइनल के बाद भारतीय टीम का अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज होने वाला है, और उसके बाद भारतीय टीम वेस्ट इंडीज दौरे पर जाएगी जहां उसे तीनों फॉर्मेट की सीरीज खेलना है। और सूत्रों को कहना है कि तीनों फॉर्मेट के सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों के बजाय BCCI IPL 2023 के युवा खिलाड़ियों को मौका देने की योजना बना रहा है। अगर ये योजना सफल होती है तो वेस्ट इंडीज दौरे पर 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए रिंकू सिंह, SSV जायसवाल, सुयान शर्मा, ध्रुव जुरवेल और जितेश शर्मा जैसे खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। साथ ही आकाश माधवाल और यश ठाकुर जैसे तेज गेंदबाजों को भी शामिल किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि वेस्ट इंडीज दौरा कब होगा। तो आपको बता दें कि भारतीय टीम जुलाई के महीने में वेस्ट इंडीज दौरे पर जाने वाली है, जहां उसे 3 वनडे और 2 टेस्ट और 3 T20 मुकाबले खेलने हैं। वेस्ट इंडीज दौरे पर T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 टीम कुछ ऐसी हो सकती है, जिसमें आपको SSV जायसवाल, सुमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, ध्रुवराज रोयल, दिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या जो कि कप्तानी करते हुए इस टीम की नजर आएंगे, हरदीप सिंह के साथ युजवेंद्र चहल, सुयान शर्मा, आकाश माधवाल और यश ठाकुर जैसे खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे।